तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी स्टोर के नए अपडेट के बारे में, या फिर बोल सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी के नए यूआई अपडेट के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली हुआ है। ये पहले प्रीमियम फोन्स में आता है, अब नॉर्मल यूजर्स के लिए आ चुका है। ये मेरे फोन में आज ही के दिन ये अपडेट आया, जिसके बारे में आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा तो आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये आपको ऊपर गैलेक्सी स्टोर का एक नोटिफिकेशन मिलेगा अपडेट का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट होना चालू हो जाएगा। पहले गैलेक्सी थीम अपडेट होगी, उसके बाद आपका गैलेक्सी स्टोर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे सेम इसी मेथड से आपको इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट होने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जब आप उसको वर्जन चेक करेंगे तो ये लेटेस्ट वर्जन पे आ जाएगा। उसके आगे नए फीचर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अभी आप सिंपली देखेंगे इसको स्टार्ट करने के बाद आपसे कुछ ऐप्स यहाँ पर मांगेगा परमिशंस। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो आप देख लीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है मेरे पास अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको करना क्या है, सीधे जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो वो आपको वहाँ पर कुछ पूछेगा डिटेल्स। जैसे कि मान लीजिए आप देख रहे हैं मैंने स्टोर अपडेट करा, तो आपको ये डिटेल बोलेगा कि ये वाली ऐप। जैसे ही आप सब कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो जितनी भी ऐप्स वहाँ पर ठीक हैं सब ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, वहाँ से बैक कर देना है। आप जैसे ही वहाँ से बैक करेंगे तो सारा ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर बैक नहीं करेंगे तो सब वहाँ पर आपका अपडेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने बैक कर दिया है तो वो अपडेट हो चुका है और आपसे लैंग्वेज मांगेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा सैमसंग गैलेक्सी स्टोर अपडेट होता है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्ड लगा के दिखाया। यहाँ पर दोस्तों अपडेट होने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे गैलेक्सी स्टोर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे तो आप देखेंगे इसका वर्जन नंबर आपको मिल जाएगा। इस ऐप का वर्जन नंबर है 6.09.09। और अगर आप देखेंगे इसको गैलेक्सी स्टोर में, आपको यहाँ पर करना है ऐप डिटेल इन स्टोर पर क्लिक। वो ऑटोमेटिक आपको गैलेक्सी स्टोर के ऐप के उस पर ले जाएगा और आप देखेंगे ये वर्जन नंबर कब रिलीज किया गया है। वो आज ही के दिन मतलब 20 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया है, जो कि 60 MB का ये अपडेट को यहाँ पर रिलीज किया गया है। दोस्तों इस अपडेट के बाद जो उसका यूआई है गैलेक्सी स्टोर का पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। आप यहाँ पर जब उसको खोलेंगे तो आप देखेंगे गैलेक्सी स्टोर का पूरा यूआई यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। पहले मेन्यू आपको ऊपर की तरफ आता था, वो हट के यहाँ पर आ गया है मेन्यू। अगर आप वॉच यूज़ करते हैं तो आपको वॉच का आइकन भी मिलेगा, अगर वॉच यूज़ नहीं करते तो ये आइकन आपको नहीं दिख रहा हो, आपको सिर्फ नीचे चार आइकन दिख रहे होंगे। सबसे लास्ट में आपको मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे मेन्यू में आएंगे तो आप देखेंगे इसका यूआई पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो गया है। माय एप्स आपको अलग तरीके से मिल रही है। अपडेट्स में वहाँ पर डॉट दिख रहा है, मतलब कोई अपडेट अवेलेबल है। विश लिस्ट का ऑप्शन यहाँ दे दिया गया है। इवेंट्स, वाउचर्स, गिफ्ट्स, डील्स एंड इवेंट्स, ये सारी डिटेल आपको पहले ही मिलती थी, बट थोड़ा सा उसको कस्टमाइज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से यहाँ पर कस्टमाइज कर दिया गया है। नीचे आपको एक्सक्लूसिव गेम्स और मेन्यू का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर एक्सप्लोरर का एक अलग से ऑप्शन रहता था, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक्सक्लूसिव गेम्स और मेन्यू का ऑप्शन ही आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका यूआई है, पहले से थोड़ा अपडेट कर दिया गया, या बोल सकते हैं थोड़ा सा स्पीडली कर दिया गया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस मेन्यू में जाके सेटिंग पे, तो सेटिंग पे भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पर भी चेंजेस किए गए। जैसा कि यहाँ पर पहले ऐप वाले वर्जन में आपको प्राइवेसी नोटिस नहीं मिलता था, अब यहाँ पर आपको प्राइवेसी नोटिस का ऑप्शन मिल गया है। और नीचे आपको यहाँ पर एक परमिशन का ऑप्शन भी यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया गया, जो कि पहले नहीं मिलता था। आप यहाँ पर प्राइवेसी नोटिस पर क्लिक करेंगे तो एक URL खुलेगा, आपको ले जाएगा ब्राउज़र पर। जो भी प्राइवेसी रिलेटेड इसके नोटिस है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ऐसे ही बैक आएंगे तो आपको यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन मिलेगा। परमिशन पर जाएंगे तो यह यूज़ बता रहा है कि क्या क्या यहाँ पर परमिशन को यूज़ किया जाता है या यूज़ हो रहा है। रिक्वायर्ड परमिशन यूज टू रीड योर फोन यूनिक आइडेंटिटी कोड, और स्टोरेज के लिए सिस्टम फाइल के लिए स्टोरेज का यूज़ करा जाता है, और कॉन्टैक्ट के लिए सैमसंग अकाउंट्स का यूज़ करा जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये परमिशन ये यूज़ कर रहा है। तो ओवरऑल जो इसका एक्सपीरियंस है, जो इसका यूआई है, बहुत ही इजीली कर दिया गया है। कॉम्प्लिकेट से हटा के बहुत इजीली कर दिया गया। आप इजीली सिंपल माय मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पर अपडेट्स आपको दिख जाएंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और सारे अपडेट आपको अवेलेबल यहाँ पर दिख जाएंगे, जो कि अच्छा खासा यहाँ पर यूआई में चेंजेस किया गया है। और अगर मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ अपडेट भी कर रहे हैं तो उसकी स्पीड को भी यहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छा कर दिया गया है। तो लाइक मैं यहाँ पर इसको अपडेट करके देखता हूँ। मैं सैमसंग अकाउंट पे आया, मैं यहाँ पर अपडेट करके देख रहा हूँ। तो
तो आप देख सकते हैं ये भी पूरी तरह से चेंज कर दिया गया, पहले आपको ऊपर दिखता था अभी नीचे की तरफ कर दिया गया है यहाँ पर। ओवरऑल दोस्तों ये अपडेट जो कि ये बेस्ट लगा, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है मेरी कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ऐसी सैमसंग रिलेटेड अपडेट के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों।